लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कहते हैं कि असली नेता, लोक प्रतिनिधि और पालक वो है जो हर दुख सुख में अपनी रियाया यानी जनता के साथ रहे और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आए। आज इसकी मिसाल पेश करते हुए पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक की ओर से नवम्बई के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में खाद्यान्न और खजूर के बॉक्स बांटने का कार्यक्रम चला। पूर्व विधायक संदीप नाइक के नेतृत्व में दीघा से लेकर बेलापुर तक हर इलाके के मस्जिदों और जरूरतमंद नागरिकों तक यह राशन की मदद पहुंचाई गई। बीजेपी युवा नेता संदीप नाइक ने इसे लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच इंसानियत की सेवा बताया। वहीं राशन की मदद पाने वाले मुस्लिम बांधवों और जरूरतमंदों ने इस मदद को बड़ी राहत बताते हुए बीजेपी नेता गणेश नाइक के प्रति आभार जताया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के कारण पैदा हुई लॉकडाउन की त्रासदी और तंगी के बीच आज लोक नेता गणेश नाइक की एक मदद ने नवम्बई के सैकड़ों मुस्लिम बांधवों और जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। आज पूर्व मंत्री गणेश नाइक द्वारा नवम्बई के दीघा से लेकर बेलापुर तक के दर्जनों मस्जिदों और स्लम इलाकों में हजारों परिवारों को राशन और खजूर के बॉक्स बांटे गए। पूर्व विधायक संदीप नाइक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज तुरभे इलाका वासी, कोपरखेरने, नेरुल, सीउड और बेलापुर तथा एरोली के तमाम ठिकानों पर महाखाद्यान्न वितरण कार्यक्रम चलाया। यह भी पहली बार हुआ जब सर्वधर्म समभाव और जरूरत के समय मदद की मिसाल कायम करते हुए लोक नेता गणेश नाइक के जरिए इतने बड़े पैमाने पर राशन वितरण की मदद की गई। रमजान पर्व से पहले राशन की मदद पाने वाले मुस्लिम बांधवों और झोपड़पट्टी इलाके के रहवासियों ने इसे राहत की बड़ी मदद बताते हुए पूर्व मंत्री गणेश नाइक के प्रति आभार जताया। आइए सुनाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। ये नाइक साहब की तरफ से जो तोहफा आया है, मैं पार्टी की बात मैं नहीं कहूँगा, व्यक्तिगत नाइक साहब नवी मुंबई में एक शख्सियत है और लोगों के दिल में बसे हुए हैं और उन्होंने सब गौर गरीब का ख्याल रखा, हमेशा करते रहे हैं। ऐसे मौके थे जिस वक्त कोरोना काल भी हो रहा हो और रोजे का भी मामला हो रहा, ऐसे में उन्होंने एक मोहब्बत का, एक प्रेम का, एक भाईचारगी का उन्होंने बड़ा सबूत दिया है, इसलिए हम तमाम लोग उनके आभारी हैं। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोग परेशान हैं और नायक साहब का ये काम हमें बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने अनाज भेजा है लोगों के काम आएगा और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हमने ईद के मौके पर खजूर और राशन भेजा है, इसके लिए मैं नायक साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। गणेश नायक ने जो है ये इंतज़ाम गरीबों के लिए मस्जिदों में किया है, बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना की मारामारी में ये बहुत अच्छा काम किया है। ईद रमजान ईद रहो, कुछ भी काम रहो, नाइक साहब ने हमेशा शर्मी नगर के मुसलमानों को हमेशा साथ दिया। मुसलमान तो मुसलमान, जो और लोग हैं ना उनको भी सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत शुक्रगुजार। ये जो घर मिला है, मस्जिद मिली है, सब शर्मी नाइक साहब की बदौलत मिली है। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करना ये सबसे बड़ी नेकी है। वो बेचारे जो जिन्हें तकलीफ है उनके घर में ईद हो जाएगी, या जिनके पास कुछ नहीं था उनके लिए राशन का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये नायक साहब हो या और कोई भी, अनवर साहब हो या राजू साहब हो या मैडम हो या और कोई भी हो, जो भी ये काम करता अच्छा करता है। सरी गाँव के रहवासी है, वो नायक साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इस कठिन समय में सहायता भेजी है। उसके लिए पूरे समाज की तरफ से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समाज, उनके सबकी तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नायक साहब मतलब हा ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो। ह्या कोरोनाच्या संकट काळामध्ये लोकांची अतिशय दयनीय अशी बिकट परिस्थिती आहे, त्या भावनेला समजून दादाने आज नवी मुंबईमध्ये सर्व मुस्लिम बांधवांना त्यांच्या परीने जे होईल ती परिपूर्णपणे मदत त्यांनी प्रत्येक मस्जिदला दिलेली आहे। की आज कोरोना काळामध्ये सर्व जनतेची दयना झालेली आहे, अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येक मस्जिदमध्ये जाऊन प्रत्येक मस्जिदमध्ये राशन, अन्नधान्य, खजूर अशा प्रकारचे वाटप सुरू आहे। आणि आज या कब्रस्तानमध्ये, कोपरीच्या कब्रस्तानमध्ये आज अन्नधान्य, खजूर नाईक साहेबांच्या माध्यमातून इथं वाटप केलेलं आहे। गौरतलब है की विधायक गणेश नाईक आज मंत्री नहीं है, फिर भी वे एक पालक बनकर उसी तन्मयता से नवम्बईकरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
आज के महाराशन वितरण के बाद हर कोई उनके प्रति आदर और कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, जो उनकी उत्तम जनसेवी भावना का सबूत देता है। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। या शहरामध्ये सर्व धर्म समभावाची जोपासना करण्याचं काम, या शहरामध्ये सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेब आहेत। या रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये सर्व मुस्लिम बांधवांना त्या ठिकाणी सहकार्य करण्याच्या हेतूने, त्यांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा देण्याच्या हेतूने नवी मुंबईमधील सर्व मस्जिद आणि मदरसामध्ये या ठिकाणी आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेबांच्या माध्यमातून धान्य वाटप आणि खजूर वाटपाचा कार्यक्रम करण्यात आलेला आहे। लॉकडाऊन लगने के कारण क्या हुआ कि लोगों के काम धंधे सारे बंद पड़े हुए, और अभी आप लोग को पता है कि रमजान का महीना चल रहा है, और रमजान के महीने में अपने लोगों को जो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के उनको जो खाने पीने के लिए जो लगता है इफ्तार रोज़ा छोड़ते समय, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय श्री गणेश जी नाईक साहब के माध्यम से और माजी आमदार संदीप जी नाईक साहब के माध्यम से आज पूरे नवी मुंबई में सारे मस्जिदों में दादा के माध्यम से सब राशन वाटप किया जा रहा है, जिसमें गेहूँ चावल और खजूर दिए जा रहे हैं। उसी तरीके से तुर्बावाड़ में भी हनुमान नगर हो गया, तुर्बा नाका, इंदिरा नगर, तुर्बा स्टोर, और अभी यहाँ पर बोनसरी में भी यहाँ पर खजूर वाटप और अनाज वाटप किया गया है। आज कोरोना पार्श्वभूमी पर खूब मोटे संकट अपने वरती ओढ़वले है, त्यानिमित्ताने जे म्हणजे रमजान येते रमजान आहे ते लोक नाही साजरे करू शकत, त्यानिमित्ताने गणेशजी नाईक साहेबांच्या माध्यमातून आज बिलाल मस्जिदच्या इथे खजूर वाटप आणि अन्नधान्य वाटप करण्यात आलं। नाईक साहेबांनी ईदच्या निमित्त तर ह्यावर्षी करोनाच्या या महामारीच्या याच्यामध्ये की प्रत्येक जे मस्जिद आहेत आता आमच्या नवमीतल्या सर्व मस्जिदमध्ये, त्याप्रमाणे आज आमच्या तुर्बाशोमध्ये 4 मस्जिद आहेत, तर प्रत्येक मस्जिदमध्ये नाईक साहेबांनी एक ईद निमित्त तांदूळ आणि डाळ आणि खजूर याचं एक वाटप ईदची एक छोटीशी भेट म्हणून प्रत्येक मस्जिदमध्ये आम्ही ऐकण्यात येतो आहे, आणि नाईक साहेबांच्याकडून आमच्या तुर्बा स्टोरमधील सर्व मुस्लिम बांधवांना ईद निमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतात। से आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप देखेंगे पिछले साल भी जो कोरोना के जो हालत थी उस टाइम में भी आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहब ने 6,000 से 8,000 टन तक लोगों को उन्होंने अनाज वितरित किया था। उसको आज की जो तकलीफ है, ऐसे तकलीफ में जो आज जो नाईक साहब ने हम लोगों को जो मदद की है, जो नई मुंबई के लोगों को मदद की है, उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार। इस बार जो हमारी ईद है, जैसे हमने पिछले साल भी हमने घरों में रहकर मनाई थी, मैं उनसे अपील करता हूँ जिस तरह हमने पिछले साल की हमने ईद मनाई थी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और मास्क का वापर करके और जो गवर्नमेंट ने हमको जो नियम दिए हैं उस नियम का पालन करके हम इस बार की भी ईद मनाएंगे। कि नवी मुंबई में आदरणीय लोकनेते गणेश जी नाईक साहब ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी जे काम केलेलं आहे ते आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे। मग ते एक मागील वर्षापासून ज्या वेळेला लॉकडाऊन लागलं त्यावेळेपासून त्यांनी मास्क वाटप असू दे, सॅनिटायझिंग असू दे, धान्य अन्नधान्य वाटप असू दे, गोरगरिबांना मदत असू दे, तसेच आपल्या आरोग्य यंत्रणा ज्या आहेत त्या आरोग्य यंत्रणांसुद्धा आयुक्तांना भेटणं असू देत किंवा आपले जे कोविड सेंटर आहे तिथे व्हिजिट असू देत, ह्या सर्व गोष्टींवर नियंत्रित करण्यासाठी त्यांचं नेहमीच बारकाईने लक्ष त्यांनी दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की खरोखरच महाराष्ट्रामध्ये जर कोणी चांगलं काम केलं असेल या कोविडच्या काळामध्ये तर आदरणीय लोकनेते गणेश नाईक साहेबांनीच केलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।